करोड़ों साल पहले हमारी अर्थ बहुत अलग दिखती थी। एक बड़े से लैंड मास ने 1/3 ऑफ अर्थ को कवर कर रखा था, जिसका नाम पैंजिया था। पर लगभग 17 करोड़ साल पहले वो सिंगल लैंड मास टूट गया और 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए, और आज जो हम वर्ल्ड देखते हैं वो फॉर्म हुआ। मान लो कि ये कभी नहीं हुआ होता तो हमारी कंट्री कहाँ लोकेटेड होती और हमारी लाइफ आज से कितनी डिफरेंट होती। आई एम हार्दिक एंड यू आर वॉचिंग स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय हार्डी अमेजिंग एंड हियर्स व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ पैंजिया हैड नेवर ब्रोकन अपार्ट। अगर आज पैंजिया एग्जिस्ट करता तो थियोरेटिकली हम मुंबई से न्यूयॉर्क ड्राइव करके जा सकते थे, क्योंकि वो दोनों ही सेम लैंड मास का पार्ट होते। वैसे तो आप पैंजिया को एक नॉर्मल लैंड मास समझ रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। पैंजिया ने ह्यूमन और एनिमल एवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर पैंजिया टूटकर 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं बनती तो शायद हम यहाँ ना होते। बट लेट्स अज्यूम कि पैंजिया अभी भी है और हम किसी भी तरह सर्वाइव कर गए और 21st सेंचुरी में पहुँच गए, तो अर्थ कैसी दिखती। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड होती। नॉर्थ अमेरिका यहाँ होता, ये रेड कलर में यूरोप होता जो कि इसके एकदम पास होता, चाइना यूरोप के ऊपर और एंटार्क्टिका तब भी साउथ में ही होता, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उसके भी साउथ में होते और एंटार्क्टिका से कनेक्टेड होते। ये कंट्रीज जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होती थी वहाँ अब कोल्ड क्लाइमेट होगी, स्नो एंड आइस से कवर्ड। और सिर्फ ये ही एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं होंगे जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। पैंजिया के मिडल में जो रीजन्स होंगे उनकी बॉर्डर्स पे तो ग्रीन रेन फॉरेस्ट होंगी, बट जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे वहाँ बस डेजर्ट ही डेजर्ट होगा। ये सब पैंजिया के लंबे चौड़े लैंड मास की वजह से होगा। रेन्स जो कि ओशियंस की वजह से अकर होती है वो सेंटर तक पहुँच ही नहीं पाएगी, जिससे वो पार्ट्स प्रैक्टिकली अनइनहैबिटेबल हो जाएंगे, जहाँ ना ह्यूमंस और ना ही एनिमल्स रह पाएंगे। और नॉर्थ साइड में भी वेदर डिफरेंट होगा। कोल्ड क्लाइमेट वाला रशिया बहुत ज़्यादा वार्मर होगा, बट वेदर ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज होगा। हो सकता है कि पैंजिया में स्पेशीज़ की इतनी डाइवर्सिटी ना हो जो आज हमारे वर्ल्ड में है। फूड चेन के टॉप स्पेशीज़ तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, बट आज के कुछ एनिमल्स पैंजिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उनके पास इवॉल्व करने का चांस ही नहीं होगा। बहुत कम ऐसे एनिमल्स होंगे जो ट्रैवल कर पाएंगे और इस मॉडर्न वर्जन पैंजिया पे आप ट्रैवल करना चाहेंगे, क्योंकि आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूएसए के फ्लोरिडा में हो तो कैरेबियन आइलैंड्स, अर्जेंटीना और ब्राज़ील कुछ ही दूर होंगे। ये सभी एक सिंगल डे में विजिट किए जा सकते हैं। और आप कनाडा में हो तो ड्राइविंग डिस्टेंस की दूरी पर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी होगा। घूमने में तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना, ये सब कितना मज़ेदार। बट बहुत सी कंट्रीज़ के नए नेबर्स होंगे जिससे कुछ सीरियस इशूज़ हो सकते हैं, जैसे यूएसए जिसके दोनों तरफ ओशियंस हुआ करती थी, अब उसके ईस्ट साइड पर अफ्रीका होगा। अगर ये कंट्रीज़ आपस में मिलजुल कर नहीं रह पाई तो वॉर होने के चांस रहेंगे, और ये कितना इजी हो जाएगा कि जिससे वॉर है वो सिर्फ एक छोटी सी ड्राइव की दूरी पर है। वेपन्स और आर्मी को ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होगा, फास्टर भी और यहाँ तक कि चीपर भी। या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फाइनली सब लोग यूनिफाई होकर पीसफुली रहना सीख लेंगे। हो सकता है कि एक ही लैंडमार्क शेयर करने पर ना कोई कॉन्टिनेंट होती और ना कोई कंट्री, सब एक होते और कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। अगर हम सभी लोगों की कंट्री एक होती तो कोई वॉर भी नहीं होता। तो इस हैप्पी नोट पे वीडियो का एंड करते हैं। दिस ब्रिंग्स एंड टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टेल हाउ मच यू लाइक द वीडियो बाय राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज शेयर इफ यू वॉन्ट आंसर्स टू एनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। Thank you for watching the video. Please like the video, subscribe the channel, and do not forget to ring the bell icon.